हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स की। तो पहले हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता क्या है, फिर उसके बाद में हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है। मान लो कि अपने पास कोई भी लिक्विड भर रखा है, कोई भी पदार्थ के अंदर। यहां पर हमने लिक्विड भर रखा है एक वॉल्यूम के अंदर, इसका जो वॉल्यूम है टोटल वो भी। और यहां हम क्या कर देते हैं कि इस वॉल्यूम का कोई भी अपने पास पदार्थ है जिसके अंदर हमने इस लिक्विड को भर रखा है, उसके किसी भी बिंदु पर, कोई भी पॉइंट पर हम एक छेद कर देते हैं। इस छेद से ये लिक्विड बाहर निकलेगा और जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से ये बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है बच्चों, कोई भी लिक्विड है हमने इसमें भर रखा है और इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी पॉइंट पर एक हल्का सा होल कर देते हैं, तो होल से, जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो उसको, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये किस पर डिपेंड करता है ना। यहां पर हम देखते हैं कि जो लिक्विड हमने भर रखा है, जो फ्लूइड हमने इसके अंदर भर रखा है, उस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई होगा, जिसे हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों पीए से। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई या प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और जो हमने होल कर रखा है, यहां पर जो होल कर रखा है वो इस लेवल से, जो अपने लिक्विड भर रखा है, जो फ्लूइड है उसके लेवल से एच हाइट पर हमने क्या कर रखा है, होल कर रखा है। या आप ऐसे बोल सकते हो, जो होल हमने कर रखा है वहां से जो फ्लूइड का जो लेवल है वो एच डिस्टेंस पर है ना, एच हाइट पर क्या है, उसका लेवल है लिक्विड का। तो होल और लेवल के बिटवीन जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, उसे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है एच। जिस फ्लूड का हम यहाँ पर इस सिस्टम में यूज कर रहे हैं, उस फ्लूड की जो डेंसिटी है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने रो से। रो डेंसिटी है, एच हाइट है होल और लेवल के बिटवीन का डिस्टेंस या हाइट बोल सकते हैं, और इस पर एटमोस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इस होल से, जिस प्रेशर से लिक्विड या फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो वो जो प्रेशर बन रहा है ये दो प्रेशर से बन रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वायुमंडलीय दाब यहां पर लगा रहा है, तो एक और प्रेशर भी इस पर अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा प्रेशर है, वो है इस लिक्विड का प्रेशर, जिस हाइट का है। और यहां पर भी तो लिक्विड है ना, यहां पर भी तो फ्लूड है। अब ये फ्लूड क्या कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ये फ्लूड। तो एक तो है उस फ्लूड का प्रेशर, एक है एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो जिस प्रेशर से ये फ्लूड बाहर निकलेगा वो लिखेंगे पी से। एक तो है एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और दूसरा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो अपने पास है रो जी एच। ये प्रेशर का फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है। तो रो अपने पास डेंसिटी है, जो लिक्विड हमने कर रखा है। जी इस पर क्या कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, जो एच आपको बता ही रखा है, हाइट है होल और उस लेवल के बिटवीन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अपने, है ना। हाँ जी, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर वन से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। इस प्रेशर से जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो बाहर निकल गया। एटमॉस्फेयर प्रेशर पी ए और ये लिक्विड का प्रेशर है बच्चों, है ना, लिक्विड का प्रेशर भी तो इस पर अप्लाई हो रहा है। तो दोनों प्रेशर मिलकर एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो फ्लूइड हमने इस सिस्टम के अंदर रख रखा है वो उस प्रेशर से बाहर निकल, और इसकी वेलोसिटी यहां पर हमने v से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो बॉल हमने कर रखा है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, a है। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग से यहां पर बनाता हूं, क्योंकि कुछ यहां से जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, बाहर निकलेगा। आफ्टर सम टाइम कुछ स्मॉल एलिमेंट, अपने की बात करते हैं स्मॉल टाइम के अंदर,
ये लिक्विड यहां से यहां पहुंचेगा तो इसको अपने थोड़ा सा यहां पर बनाते हैं ऐसे। ये जो लिक्विड है स्मॉल टाइम में यहां से यहां पहुंच, कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां पहुंचने में, स्मॉल टाइम। डेल्टा टी से इसको हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी कितना होगा, थोड़ा सा। तो विस्थापन हुआ है वो भी कितना हुआ है, डेल एक्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो लिक्विड है ना ये बाहर निकला हुआ है, तो इस लैंडर को थोड़ा सा हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको जूम करके हम यहाँ देख रहे हैं कि हो क्या है। इस होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा हमने, ए से। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको रिप्रेजेंट कर रखा ए से। तो एक अपने पास सिलेंडर बना, सिलेंडर कैसे बना कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल एक्स, और ये अपने पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिससे ये एक बैलेंस हमें दिख रहा है। ये बैलेंस नंबर, ये बैलेंस किसका है, इस लिक्विड का, जिस लिक्विड की हम बात करें, इस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड हमने भर रखा है। हाँ जी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब क्या है कि इस साइड प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कौन सा प्रेशर है बच्चों, ये टोटल प्रेशर। ये बना कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो फ्लूइड है उसका प्रेशर, रो जी एच। अब क्या है कि इसके अपोजिट, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी तो इसके अप्लाई हो रहा है ना, इसके अपोजिट इधर उधर सभी सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि लिक्विड बाहर निकल रहा है, लिक्विड बाहर निकल रहा है, जो फ्लूइड है बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस प्रेशर के कंपैरिजन में कम है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो P है इज ग्रेटर देन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका लिक्विड क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब हम इसको एरिया क्या है, ए, प्रेशर हो रहा है, P अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना होगा, F, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस फोर्स से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि लिक्विड बाहर निकल रहा है, जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है। अब इधर देखते हैं, इधर भी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, पी ए, और फोर्स कितना अप्लाई होगा बच्चों, पी डैश। हाँ, डाउट किसी को यहां तक, पी एफ डैश जो है वो इसके अपोजिट, इसको रोकने का काम करेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी इस पर अप्लाई होगा, लिक्विड को रोकने का काम करेगा। बट यहां पर हम देखेंगे कि यहां पे डबल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहां से और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो यहां डबल प्रेशर अप्लाई होने के कारण लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो प्रेशर अपने पास पी और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसको बाहर लेकर जाने में जो लिक्विड इधर बाहर निकल रहा है, वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो किस फोर्स के कारण, एफ फोर्स के कारण, और इसको रोकने का काम कर रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया होने के कारण यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ प्रेशर। तो फोर्स ज्यादा होगा कौन सा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड बाहर जा रहा है, फोर्स ये जाना है ये कम है, तो एफ इज ग्रेटर देन टू एफ डैश। तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा, एफ माइनस एफ डैश। इसे हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर टू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन नंबर वन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इक्वेशन नंबर टू फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, इस फोर्स से लिक्विड बाहर आ रहा और इस प्रेशर से लिक्विड बाहर आ रहा, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं कि जो लिक्विड है ना, इस पर कितना एनर्जी लग रहा है, कितना वर्क अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अपने पास फोर्स है, और यहां से यहां तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल एक्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, एफ आर, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल एक्स। इसका मतलब इस पे वर्क हो रहा है, और वर्क के डायरेक्ट वर्क हो रहा है, तो वर्क हो किधर रहा है, बाहर की तरफ, जिस लिक्विड को बाहर निकालने में काम कर रहा है। तो हम देखते हैं अब इस पर वर्क कितना हो रहा है, तो वर्क डन
वन डन डब्ल्यू इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर जो इसको यहां से लेकर यहां तक लेकर जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेल एक्स है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये इसके अपोजिट काम कर रहा है, ये उधर जा रहा है तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स सिंपल सा बनता है कम है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स। ये टोटल वर्क हो रहा है इस लिक्विड को यहां से बाहर लेकर जाने का। W इज इक्वल टू अब रिजल्टेंट फोर्स अपने पास कितना है F माइनस F डैश इंटू डेल एक्स, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट। इस प्रेशर को थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, ये अपने पास डेल एक्स हो गया। अब फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कौन सा ये, ठीक है। तो इस एफ को मैं क्या लिखूंगा बच्चों डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ को यहां क्या लिखा जाएगा प्रेशर, ये कौन सा फोर्स है ये वाला, प्रेशर कौन सा होगा पी, पी इंटू एरिया कितना है ए माइनस एफ डैश कौन सा है जो इसके अपोजिट वर्क कर रहा है, जो अपोजिट अप्लाई हो रहा है एफ डैश। तो F dash is equal to क्या हो जाएगा F dash is equal to P atmospheric pressure and area cross section area दोनों का सेम है, सिलेंडर हमने बना रखा है यहाँ पर, तो P atmospheric pressure into cross sectional area, displacement कितना है बच्चों del x। हाँ जी यहाँ तक सब क्लियर है कि जो फोर्स है उसको हमने प्रेशर के फॉर्म में लिखा है और यहाँ F डैश है यहाँ भी फोर्स है इसको हमने इस प्रेशर की फॉर्म में लिखा है, तो F डैश का जो रिलेशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में है। अब हम क्या करेंगे जो A है क्रॉस सेक्शन एरिया वो दोनों का कॉमन है तो इसको हम बाहर ले आते हैं। वर्क जो हो रहा है W इज इक्वल टू पी माइनस पी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्प्लेस, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। अब यहां पे वॉल्यूम क्या होगा कि जो अपने पास सिलेंडर हमने कंसीडर किया ये सिलेंडर लिक्विड का है, जो फ्लूइड का है जो हमने यहां इस सिस्टम के अंदर कंसीडर किया है, इस लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो कितना है P है, तो ये यहां से यहां तक आया है एक सिलेंडर की फॉर्म में, हमने क्या किया इसको यहां कंसीडर किया, तो ये पूरा का एक फ्लूइड का सिलेंडर है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी रो एक फ्लूइड का सिलेंडर हो गया, क्योंकि एक वाटर बाहर निकलेगा या फ्लूइड जो बाहर निकलेगा तो हल्का से एक सिलेंडर हमने यहां कंसीडर कर रखा है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा डेल वी, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स होने के कारण इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा डेल वी हो जाएगा। तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिख देंगे पी माइनस पी ए इनटू डेल वी, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। हां जी तो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से कि जो अपने पास है पी is equal to P A plus rho G H। Equation number 1 से यदि P को हम इधर ले आते हैं, atmosphere pressure को इधर ले आते हैं, तो negative का हो, तो negative का होने के कारण क्या हो जाएगा P minus atmosphere pressure, P minus atmosphere pressure is equal to rho G H। तो क्या हम pressure minus atmosphere pressure को rho G H लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं W is equal to work is equal to rho g h into volume, work जो करें rho g h हमने P A P minus P A लिखा है, तो ये equation number 1 से हमने निकाला है। तो rho g h हमने P minus atmosphere pressure पर लिख दिया और जो del V है volume का जो difference है वो कितना है del V, ये cylinder का volume है। हाँ जी इसे equation number represent कर लेते हैं हम 3 से। अब हम बात करते हैं जो work हम इस पर apply कर रहे हैं
जो इस पर वर्क लग रहा है वो वर्क सारा काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो सभी लगभग एप्रोक्सीमेट में स्टैटिक फॉर्म में मान सकते हैं, लेकिन यहाँ जो होगा ये जो अपने पास है सिस्टम की तरह से इसकी बात करें तो यहां से यहां पर एक वेलोसिटी के साथ आ रहा है, एक वेव के साथ आ रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी जितना हमने इस पर क्या किया है वर्क किया है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, काइनेटिक के एनर्जी के अंदर। जो वर्क हमने किया वो सारा का सारा कन्वर्ट होगा यहां से यहां तक आने में काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल वर्क है ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी is equal to rho g h del। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं half m v square rho g h m del, ठीक है बच्चों। जो half m v square है ये हमने फॉर्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां पर बच्चों, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमें वर्क अप्लाई कर रहे हैं, वर्क इस पे कर रहे हैं ना, तो ये जो लिक्विड है इस पे वर्क अप्लाई कर रहा है, वर्क कर रहा है, जिससे लिक्विड यहां से जो फ्लूइड है यहां से यहां कर रहा है, तो मोशन कर रहा है, वेलोसिटी मिल रही है इसको। बाकी तो एप्रोक्सीमेट में बोल सकते हैं कि स्टैटिक फॉर्म के अंदर इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बाकी स्टैटिक फॉर्म के अंदर है, यहां से ये मोशन करना स्टार्ट किया, तो यहां इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक आया, तो जितना वर्क हुआ वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर गतिज ऊर्जा के अंदर क्या हो गया है कन्वर्ट हो गया। तो एम को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एम को लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m upon v, mass upon volume, क्या होता है density। अब ये density इस system के अंदर जिस fluid की हम consider कर रहे हैं उसका density, तो m is equal to जो mass है उसको हम क्या लिखेंगे, rho into volume, sorry volume है। अब ये volume किसका है, इस cylinder का जो liquid बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसको ही मिली है काइनेटिक एनर्जी, यही बाहर आया है ना, तो इस लिक्विड को हमने यहां पर, इस फ्लूइड को हमने यहां कंसीडर कर रखा है सिलेंडर की फॉर्म में। इसका जो डेंसिटी है कितना होगा, वही होगा जो फ्लूइड हमने भर रखा है वही बाहर आएगा, सिंपल सा फंडा है ना। तो वॉल्यूम इसका कितना है वो हमने डेल वी से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू रो, जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का वो कितना है बच्चों, डेल वी, एंड जो वेलोसिटी है इसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वी स्क्वायर, ओके, हां जी, रो जी एच इनटू डेल वी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल एंड डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, जो इसके अंदर डेंसिटी है जो लिक्विड जो फ्लूइड है वो भी बाहर आएगा, तो इसका डेंसिटी सेम होगा, तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल एंड जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने पास डिवाइड में है तो रो जी एच, ये अपने पास वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी g यहां पर कैंसिल हो गया था 2gh, स्क्वायर को हम हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2gh रूट। बच्चों जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है v इज इक्वल टू रूट 2gh, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, किस स्पीड से ये लिक्विड या फ्लूइड बाहर आए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है हाइट पर कि कितना हाइट है, यदि हम बोल यहां पर करते इस पॉइंट पर बोल करते तो हाइट क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि यहां से दिख रहा है टू कॉन्स्टेंट एंड जी भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है h के, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया h के।
तो स्पीड ऑफ जो इफ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है हाइट पर, कि हाइट जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही कम हो जाएगा, और हाइट जितना ज्यादा होगा, लेवल जितना ज्यादा होगा, उसका जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, वो ज्यादा होगा। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि यदि हम यहां पर होल करते, यहां पर कोई छेद करते, तो हाइट सिंपल सा है कि कम हो जाता। अब हाइट कम होता तो यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वो कम होता, और यहां पर है जो वेलोसिटी जो फ्लूइड का वो थोड़ा सा ज्यादा। यदि हम यही होल थोड़ा सा ऊपर करते तो वेलोसिटी कम हो जाता। ये है स्पीड ऑफ डिफरेंस। तो लेवल पर डिपेंड करता है कि जो वाटर का जो फ्लूइड का जो लेवल है वो कितना है, ठीक है। तो लेवल जितना अच्छा होगा, मतलब कि होल जितना हम डेप्थ के अंदर करेंगे उतना ही हमें स्पीड ऑफ डिफरेंस अच्छा मिलेगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।